मेरे यहां इसी संसद में एक मेरा भाई आया है, अशोक पवार राम की बहन है, अशोक पवार राम का एक किसान, जिस दिन महाराष्ट्र सरकार ने एक दिवाली के दिन कर्जा मुक्ति का पैसा देने का वादा किया था, उसी दिन इस अशोक पवार ने आत्महत्या की। उसकी बेटी, नाम है उसका सिंपल, वो भी अपना दर्द लेकर यहां आई है, न्याय मांगने के लिए आई है। क्या कसूर था इस बेटे का? दिवाली के दिन सारा देश त्योहार मान रहा था, वो अपने बाप के आरती को अग्नि दे रहे थे, इसमें क्या कसूर था उस बेटे का? मोदी जी, इन सारे हजारों लाखों किसानों का श्राप आपको लगने वाला है, आप नहीं बचेंगे, क्योंकि आपने इन किसानों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। भाइयों, और एक मैं आपको, और हमारा कानून यह कहता है, जब कोई बंदा आखिरी श्वास लेते वक्त कोई जवानी देता है तो कानून भी उसको सच मानता है। इस किसान ने आत्महत्या करते वक्त सागवान के पेड़ के ऊपर चुने से लिखा, यहाँ क्या लिखा? कर्ज वादा नहीं, कर्ज के लिए आत्महत्या कर रहा है, और उसके कर्जे के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है, ये सबूत है। क्या कानून, क्या न्याय व्यवस्था मोदी जी के खिलाफ 300 दफा 310 के तहत कार्रवाई करेंगे? क्योंकि उन्होंने मोदी का नाम लिखकर इस प्रकाश मांगवकर ने आत्महत्या की है, जब इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? बाकी लोगों को यह न्याय, ऐसा व्यवहार क्यों? हम भी इस देश के नागरिक है, हम भी इस देश के कोई आए, हम किसान इस देश के अन्नदाता है, हमें भी कुछ अधिकार है, जनतंत्र ने हमें भी कुछ अधिकार दिया है, हम में से जिसमें लड़ने की ताकत नहीं है वो बेचारा आत्महत्या करता है, और जिसमें लड़ने की ताकत है वो लड़ने की कोशिश करता है, और ये कहते हैं किसान शराब पीने पी के आत्महत्या करता है। अरे आत्महत्या करने में भी, करने को भी हिम्मत लगती है? जो अपनी जिंदगी देने की, जान देने के लिए डरता नहीं है वो आत्महत्या करता है, और वो जो डरता, जो नहीं डरता है वो जहर पीता है, और जो डरता है वो शराब पीता है। यही फर्क है, दोनों को ही पीड़ा एक ही है, कर्जा, घाटे की खेती, प्राकृतिक आपदाओं से घाटे की खेती नुकसान, अब इस सब के लिए जिम्मेदार है सरकार। वो बिल और ये बिल दोनों लेकर मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा, आप सबका समर्थन लेके पार्लियामेंट आ गया, और सत्ता भी लोकसभा में आऊंगा और यही बिल पेश करूंगा, और सत्ता भी लोकसभा में मैं अकेला नहीं हूंगा, बहुत सारे मेरे साथी भी मेरे साथ होंगे। लेकिन एक दिन इस देश के किसानों को न्याय दिलवाए के ही रहूंगा, क्योंकि मैं किसान का असली बेटा हूं, और जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलता तब तक ये संघर्ष नहीं रुकेगा, इससे आगे कड़ा संघर्ष करेंगे। भले